अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम है बटकुंडी में, ये हमारा ट्रिप का थर्ड डे। आज हम अभी नाश्ता करेंगे इधर बटकुंडी में। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू, पीछे से ये दरिया गुजर रहा है। नाश्ता करेंगे, ये पानी के अंदर सिटेंगे, इधर बैठ के नाश्ता करेंगे और आपको बताते हैं नाश्ते में क्या क्या है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा व्यू, ये बटकुंडी से बिल्कुल 2 मिनट नीचे ये ब्रिज के, वो सामने ब्रिज नजर आ रहा है, इसके नीचे रास्ता आ रहा है और ये बिल्कुल पानी के अंदर बैठ के आप खाना पीना कर सकते हैं। और हम लोग अपनी चाय खुद बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय का मजा नहीं आता जब तक खुद कुछ ना कुकिंग हो ना, चाय का मजा नहीं आता। ये नाश्ते के लिए अभी चाय बना रहे और व्यू भी बहुत काफी बहुत प्यारा है। ये सिटिंग बनी हुई है पानी के अंदर। हमारा नाश्ता रेडी होके आ गया, पराठा, ऑमलेट, इसके अंदर लगा हुआ जैम, ये चिकन स्प्रेड, केक रस केक, और ये है हमारा ब्लू बैंड बर्गर, और ये साथ हमें मैंगो मिले। मैंगो तो हम खुद ही साथ पेटी लाए हुए थे। और ये ऐसे ठंडे माहौल में ऐसी गरम गरम चाय, और खाना ठंडा ना हो जाए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पराठा और ऑमलेट। और व्यू काफ़ी प्यारा है, ये देख सकते हैं पानी गुजर रहा पाँव के अंदर से और बिल्कुल अप लेवल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बाइट लेते हैं पराठा और ऑमलेट की। बहुत आला पराठा, बहुत सॉफ्ट सा है और ऑमलेट भी बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सैलेड डाला हुआ है। ऑमलेट इससे बहुत मज़े का हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट ऑमलेट है, ये देख सकते हैं। और पराठा भी, पराठा नहीं जैसे पूड़ियाँ नहीं होती वो हिसाब। एक और बाइट लेते हैं, ऊपर इसके नमक और काली मिर्च और सब कुछ, ये देख सकते हैं। ऐसे माहौल में, वादियों में अल्लाह पाक ने हमें ये खाना नसीब किया। जबरदस्त। तो अब हम ट्राई करेंगे ब्रेड और जैम। ब्रेड भी काफी सॉफ्ट है और जैम बहुत मजे का। और ये हमारा फेवरेट है, चिकन स्प्रेड और साथ ब्रेड। जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है। एक और बाइट लाजमी लूंगा। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और केक रस चेक करते हैं, जबरदस्त। आज का नाश्ता इंशाल्लाह मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा, इतने प्यारे व्यू और जो पानी गुजर रहा है, इसके अंदर पाँव रखो तो फ्रीज हो रहे हैं बिल्कुल। चाय, ये दरिया और ये वादी, आए हाय। इसे कहते हैं असल मजेदार, मजा ही आ गया, बहुत आला।
अभी। सब वे डिनर करने, लेकिन वहाँ पर कुछ उनका इशू भी था और साथ में प्राइवेसी इशू था क्योंकि लेडीज़ भी थी, खुद भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे शूट करने के लिए। तो सब वे तो हमारा आ गया, साथ में को कटिन और फैमिली मेंबर्स को तो दे दिया उनका सब वे, और अब ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सब वे कैसा है। आपको बताते हैं ये सब वे इनके अंदर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट इन्होंने यूज़ किए। सबसे पहले ये ब्रेड होती है, ये ओवन बेक्ड होती है, फिर उसके बाद इसे कूल करते हैं, प्रोसेस इसका होता है, फिर कूल करके फिर ब्रेड को पीस में करके आप पीस करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ऐड किया, आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने बारबेक्यू चिकन ऐड किया है, फिर उसके बाद इन्होंने आगे काउंटर पे शिफ्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने एल्पिनो मशरूम्स, बीन्स, कॉर्न, कैबेज, क्यूकम्बर और साथ में इन्होंने टोमेटो ऐड किया, साथ में चीज़ ऐड करके फिर चीज़ के बाद इन्होंने फिर बेक किया क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और फिर उसके बाद इन्होंने इनकी सॉसेज होती हैं 7-8 किस्म की सॉसेज हैं, एक केचप ऐड मैंने नहीं किया और मैंने सब कुछ ऐड करवाया, 1000 सॉस इनकी चिपोटले, फिर उसके बाद इनकी हॉट सॉस, बारबेक्यू सॉस और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल उनको मैंने कहा जितना डाल सकते हैं डालें आप लोग, और आप पहली बाइट लेते हैं, आप देख सकते हैं हैवी बहुत है, और ये मुझसे पहले भी मैंने बहुत कुछ खाया हुआ था और अभी मीठे की भी जगह छोड़नी है तो इस वजह से मैंने ऑफ लिया है, नहीं तो ये 6 inches इनकी ब्रेड होती है, देख सकते हैं कितनी क्रीमी और सॉसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार इन द हाई लेवल जो अंदर इनकी सॉसेज हैं वो जान डाल दी हूँ, और इनका चिकन का जो टेस्ट है वो भी बहुत बेस्ट है, और ओवरऑल सब कुछ बहुत बेस्ट है। एक और बाइट लेते हैं, देख सी। आज कहते हैं सही मज़ेदार, बहुत आला, डाडो मज़ो आयो। अभी ये आप खाना है, इसके बाद हम लोगों ने अब तकरीबन नारायण का हमारी लास्ट नाइट है, अब मैं इसके बाद जाऊंगा मीठा ट्राई करने, बेशक वो पहाड़ी की चोटी भी हो लेकिन मीठा ट्राई करके आके तब सुनूं, और टाइम भी तकरीबन अभी 12:30-1 को हो गया होगा रात, इधर तो समझे ये रात दिन होती है और दिन रात होता है। अभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह जाके इनका मीठा, और फिर उधर मिलते हैं आपसे। और अब हम लोग ट्राई करने हैं द मेजोनेट होटल एंड रिजॉर्ट पर, या इनका द हॉटस्पॉट कैफ़े, डेजर्ट और शेक्स और बहुत वेराइटी है समझे मीठे में, तो अब ट्राई करेंगे और आपको बताते हैं इनकी जो। फज ब्राउनी है, फज ब्राउनी, वार्म फज ब्राउनी एंड आइसक्रीम, फ्रेश पैक होती है और बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आएगा। फ्रेश पैक होगी एंड चॉकलेट सॉस एंड वनीला आइसक्रीम, बेस्ट सेलर्स। हमारे पास अब आ गई है हमारी डेजर्ट द स्किल्ड फज ब्राउनी, इसका नेम है। सबसे पहले इसके नीचे फज है, हॉट फज, तो उसके ऊपर इन्होंने वनीला आइसक्रीम,
और उसके ऊपर इन्होंने एडिंग ऐड किया है इन्होंने चॉकलेट सीरम। तो आप देख सकते हैं ये देखिए सॉफ्ट कितनी है। बस मैं ये रान सही बेक्ड हुई है और बहुत हॉट है, क्योंकि इन्होंने नीचे जो वुडन कह रखा है ना, इससे पता चले ये बहुत हॉट है। तो आप ट्राई करते हो और आप बताते हैं। थोड़ी सी आइसक्रीम और थोड़ी सी फज, ओहो चेक कर सकते हैं, धुएं निकल रहे इतनी गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉल्टन लावा से भी आज ज़्यादा मज़े की, और ये इनकी स्पेशल द हॉटस्पॉट कैफे स्पेशल आइटम में से एक ऐसे लेते हैं। लेकिन जैसे चॉकलेट हो रहा है काम। थोड़ी सी इनकी सीरम की एडिंग करके एक बाइट और लेते हैं। ये पूरा ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमने अभी और भी बहुत सारी चीज़ ट्राई की, ये पूरा ख़त्म नहीं होगा क्योंकि बहुत हॉट है और साथ में बहुत हैवी है। और हमारा शेक भी रेडी होके आ चुका है। ये डबल ट्रबल आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम से रेडी हुआ है, ओरियो वनीला आइसक्रीम से रेडी हुआ है, और साइज़ भी इस वक्त का बहुत बड़ा है शेक का। और इनशाला ट्राई करते हैं, ठंडा भी बहुत है और बहुत हैवी लग रहा है। बहुत आला। और आज की वीडियो यहीं एंड करते, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।